आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे। कांग्रेस के नबूम तुकी पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश की संसदीय सीट के वर्तमान सांसद यानी किरण रिजिजू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नबूम तुकी ने प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति में सम्मानित प्रदर्शन किया है। नबाम तुकी ने वर्तमान सांसद किरण रिजिजू के लिए कहा कि वो एक अच्छे इंसान है। इसी कड़ी में सुदर्शन न्यूज ने नबाम तुकी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। अभी हमारे साथ श्री नबाम तुकी जी है। ये अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर भी रहा है और इस बार वेस्ट अरुणाचल प्रदेश के पार्लियामेंट्री सीट से एमपी लड़ रहे हैं। सर, हाउ वेल प्रिपेयर आर यू फॉर दिस लोकसभा इलेक्शन? यस, आई एम कॉन्टेस्टिंग वन वेस्ट अरुणाचल प्रदेश लोकसभा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड टुडे इज आई थिंक लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग प्रोग्राम। I have covered almost all the districts for my campaigning, and actually, I am hoping for the best. I did well in during my campaign. Yes, sir. So, in your West Arunachal constituency, there are 8 candidates. Out of 8 candidates, Kiran Rijiju has been the Union Cabinet Minister who has been fighting against you. So, how well prepared are you to face this Union Minister in your constituency? Yeah, he's good man. He's a union minister representing this constituency for third term. He contested both, lost one and won three. And then this time, people mind is for change. There's a huge incumbency factors. So people have minds set is to change the parliament, the MP this time.